जी बिल्कुल, देखिए 48 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, वो भी जो है वो मुख्य आरोपी नहीं है, यानी कि चार हमलावर इसमें शामिल थे। इन चारों हमलावर अभी तक जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और आज ही पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा बैठक की गृह विभाग की और तमाम जो आला अधिकारी थे पुलिस विभाग के उनको फटकार लगाई है, जो हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी दरभंगा के SSP से भी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि अभी 7 दिन का वक्त और लगेगा, एक हफ्ते मुझे और दीजिए तभी मैं पूरे केस को क्रैक कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं चारों हमलावर अभी तक जो है वो फरार चल रहे हैं। दबिश बनाने के लिए सीतामढ़ी और जो बगल के जिला है शिवहर, वहां पर जो छापेमारी की जा रही है, आइडेंटिफाई भी कर लिया गया कि कौन ग्रुप है। संतोष झा ग्रुप जो है इसके पीछे शामिल है। इस वक्त संतोष झा जो है वो गया जेल में बंद है, लेकिन अभी तक जो चारों हमलावर थे वो चारों हमलावर जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है, सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे